गोरखपुर के गीडा थाना क्षेत्र में आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी की ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से 20 दिसंबर को मौत हो गई थी। सफाई कर्मी की मौत के बाद नगर निगम अधिकारियों ने विज्ञप्ति जारी कर 1,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही थी। वहीं जिस पर परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक मृतक के परिजनों को कोई भी सहायता राशि नहीं दी गई, जिसको लेकर ग्रामीणों ने गोरखपुर बनारस नेशनल हाईवे पर शव को रखकर चक्का जाम लगा दिया। वहीं करीब 2 किलोमीटर तक वाहनों का तांता लगाया और जिसके चलते 2 घंटे तक यात्री भी परेशान होते नजर आए।